नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजल 2015 का एक पेपर कंप्लीट एनालिसिस के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, किलोवाट को मापने की एक इकाई है तो इसका इकाई कौन सा है, ऐसा यूनिट क्या है, तो शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शक्ति की अगर हम बात करते हैं यानी कि पावर की बात करते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू यानी कि वर्क डन और टाइम, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, टाइम का सेकेंड होता है। ये जो जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड, ये वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो किलोवाट किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, पावर का यानी कि शक्ति का। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका जूल ऐसा यूनिट होता है। बिजली के खपत का ऐसा यूनिट क्या होता है गाइस, तो इसका होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। अब देखिए, अगर बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो ये कब से कब तक हुआ था, 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब अगर बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, कहाँ पर हुआ था, उल्लीहातू कोटी में इनका जन्म हुआ था। और इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो धरती आबा और भूपिता के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर वन की, संथाल विद्रोह की, तो ये कब से कब तक हुआ था, तो 1855 से 56 में हुआ था। और इस संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, खूनी विद्रोह और मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, चार लोग थे मुख्य रूप से, हालांकि दो लोग थे सिद्धू कानू, लेकिन चार लोगों का नाम आता है, सिद्धू कानू चांद और भैरव, जिसमें से सिद्धू को राजा बनाया गया था, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो मुख्य रूप से दो लोगों का कम से कम नाम हम याद रख सकते हैं, एक तो अलेक्जेंडर थे और दूसरा रीड, ये दो लोग क्या थे, दमनकर्ता थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी विद्रोह में एक नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तिलका मांझी की बात करते हैं, तो ये नेतृत्व करता है कौन से विद्रोह की, कौन से आंदोलन की, तो तिलका विद्रोह के नेतृत्व करता है तिलका मांझी, जिनको जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करते हैं तिलका विद्रोह की, तो ये कब से कब तक हुआ था, 1783 से 85 तक हुआ था, ठीक है। जिसमें से तिलका मांझी ने 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर इनको पकड़ा गया था और 1785 ईस्वी को भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिरसा मुंडा विद्रोह। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो तीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये तमिलनाडु में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब देखिए, बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो एम के स्टालिन है। और गवर्नर की बात करते हैं तो आर एन रवि हैं। अच्छा, तमिलनाडु से एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो ये भी कौन सा है, तमिलनाडु है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, निम्नलिखित में से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा, तो फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ था, बिहार के लगभग 46% भूभाग को काटकर हुआ था। अब देखिए, झारखंड के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि झारखंड निर्माण से संबंधित जो बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बना था, वो कब मंजूरी दिया गया था, तो मंजूरी दिया गया था, याद रखिएगा वो डेट, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डेट है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 अगस्त 2000 ईस्वी को उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद जाके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हो गई थी। और ये 15 नवंबर क्यों चुना गया था, क्योंकि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की,
आईपीएल 2015 के उप विजेता कौन था? तो कौन था सभी को जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब इसमें विजेता कौन बना था गाइस? तो मुंबई इंडियंस इसमें विजेता बना था। अब अगर हम आईपीएल की बात करते हैं यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग है पहली बात ये, और ये कब स्टार्ट हुआ था भारत की बात करते हैं तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले बार कौन जीता था? तो सबसे पहले बार कौन जीता था? तो राजस्थान इसमें जीत दर्ज किया था, जिसमें से उप विजेता कौन रहा था? सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग, उसमें भी उप विजेता रहा था। अब देखिए अगर हम 2021 की बात करते हैं, क्योंकि 2021 का भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2021 में बात करते हैं तो कौन इसमें विजेता बना है? तो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता बना है, और उप विजेता बना है कोलकाता। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसमें पर्पल कैप किसको मिला था? तो हर्षल पटेल को मिला था। और इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था? तो ऑरेंज कैप मिला था ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, अब देखिए आईपीएल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार मुंबई इंडियन इस मैच को जीत चुकी है, इस प्रीमियर लीग को जीत चुकी है, और 4 बार सीएसके जीत चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, छूटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या करना है, सीरीज़ को फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या सीरीज चल रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट देखने की बात करें तो यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है कितना, 40 आ रहा है। ठीक है, 40 आ रहा है। इसमें भी कितना जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी 40 आ रहा है। तो यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, यानी कि 20, 8, 28 और 12, 40। तो 12 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की, हीरा का एक अपरूपी अपर रूप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। सभी जानते हैं काफ़ी इजी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 4:5 है, यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दो ट्रेनों का स्पीड दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं ये S1 है और इसको मान लेते हैं S2 है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी ट्रेन का यानी कि दूसरी ट्रेन का क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है यानी कि इसकी दूरी दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है। तो आराम से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका स्पीड निकाल सकते हैं हम आराम से, कितना निकाल सकते हैं, 600/5। तो 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये निकल कर आ गया दूसरी ट्रेन का गति, और यहाँ पे रेशियो में गति दिया हुआ है जो कि 120 किलोमीटर किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। ये देखिए दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर है तो इसका एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24। तो कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ये भी देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं या हुए? अब देखिए इसमें हम देखते क्या हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है, टोटल विद्यार्थी 100 है, जिसमें से 60 क्या हुआ है, 60 साइंस में और 80 मैथ में उत्तीर्ण हुआ है यानी कि पास हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 60 विद्यार्थी किसमें, साइंस में, 60 विद्यार्थी साइंस में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल इसमें हो जाएंगे 40 विद्यार्थी, इतने क्लियर है। उसके बाद 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में यानी कि मैथ में कितने पास, कितने हुए, तो पास हुए हैं 80, तो फेल कितने हो जाएंगे, 20 में फेल हो जाएंगे। अब देखिए 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों ही विषय में फेल हो गए हैं। अब देखिए फेल का हम हमेशा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इजी हो जाए, यहाँ पता चल गया कि दोनों विषय में 5 फेल हुए हैं। उसके बाद देखिए साइंस में 80 फेल हुए हैं, और उसके बाद 20 कहाँ पे फेल हुए हैं, बेस मैथ में फेल हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि इसमें दिया हुआ है कि फेल कितने लोग हैं, तो साइंस में देखिए 40 लोग फेल हैं, साइंस में 40 लोग फेल हैं, और मैथ में कितने लोग फेल हैं, तो 20 लोग फेल हैं। 5 ऐसे लोग हैं,
पांच ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल है, ठीक है। अगर हम एक चार्ट बनाना चाहें तो 40 हम इधर रख सकते हैं और 20 इधर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें पांच तो दोनों में है ना, ये दोनों में क्या है कि अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो 40, ये टोटल 40 है तो ये 15 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल देखिए 55। 55 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हैं, फेल हो गए हैं। तो बचे हुए विद्यार्थी पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यानी कि 100 में से अगर हम 55 को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 45 निकल कर आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्विधारी यानी कि बाइनरी प्रणाली का आधार क्या है। अब इसका आधार पूछा है, आधार मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए 1 1 0 1 0 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे 2 जो होता है यही इसी को आधार कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी का हमेशा आधार आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस के एग्जांपल की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए छोटी हुई संख्या को ज्ञात करना है, तो अगर हम ये तीनों को जोड़ने की कोशिश करें तो तीनों को कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी जोड़ते हैं तो 10 20 30 हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा। उसी तरीके इसमें भी अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो 8 और 9 17 और 13, यानी कि 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नाभिकीय विखंडन के प्रभाव के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चंद्रमा पर जाने वाले पहले यान चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। और इसके लॉन्चिंग व्हीकल की बात करते हैं तो PSLV C-11 था, ठीक है। कब किया गया था, तो 2008 यानी कि 22 अगस्त 2008 को प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, तो इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन था, तो GSLV MK-3M1 था, ठीक है। और इसे भी कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश से इसको भी प्रक्षेपित किया गया था। अब चंद्रयान 2 से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना चाहें तो लैंडर का क्या नाम था और रोवर का क्या नाम था, तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान था नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। परमाणु डॉट डॉट से बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस से ये परमाणु बने होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं परमाणु संख्या की, एटॉमिक नंबर की, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। पहली बात तो ये है, अगर हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान संख्या की, तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि दोनों को जोड़ के क्या निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कब कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो 1886 ईस्वी में हुई थी, गोल्डस्टीन ने की थी, हालांकि नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, याद रखिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज कब हुई थी, 1897 ईस्वी में जे जे थॉम्सन के द्वारा। वहीं पे अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1932 में किसके द्वारा, तो जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस से बने होते हैं परमाणु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी कौन सी है सभी जानते हैं, ये इस्लामाबाद है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। काला सफ़ेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की छत संबंधित है, तो किसे संबंधित हो जाएगा? स्पष्ट दिख रहा है बरामदा से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक माई ट्रिप। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विंडोज़ 8 यह कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के CEO की बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में कौन है? सत्या नडेला। और इसके फाउंडर की बात करते हैं तो बिल गेट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी USA में। और अभी इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो टीम कुक इसके वर्तमान में CEO हैं। फाउंडर कौन थे? तो स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर थे। ठीक है, चलिए अगर गूगल की हम बात करते हैं तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा, लेरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। अभी वर्तमान में CEO की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी CEO कौन है? अभी वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ए और बी की औसत आय 1500 रुपये है, बी और सी की औसत मासिक आय 2500 रुपये है, ए और सी की औसत मासिक आय 3000 रुपये है, तो ए की मासिक आय क्या होगी? अब देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो औसत दिया हुआ है, दोनों का औसत दिया हुआ है, तो औसत आय दिया हुआ है। लेकिन अगर हम टोटल आय निकालना चाहें ए और बी का तो कितना हो जाएगा गाइस? अगर हम आय निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ए और बी का आय कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1500 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 3000 हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज है ना, तो एवरेज में नीचे डिवाइडेड बाय 2 होता है ना गाइस, तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा और वो 3000 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी का आय कितना हो जाएगा? टोटल आपको देखने को मिल जाएगा 3000, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरीके से बी और सी का कितना हो जाएगा? बी और सी का हो जाएगा 25 × 50, यानी कि 5000 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ए और सी की औसत बात करें तो 3000 है ए और सी का, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6000 हो जाएगा टोटल कंबाइंड करके। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर डबल डबल है, ए फिर ए, बी फिर बी, सी फिर सी, यानी कि डबल डबल है। तो हम कह सकते हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 8 और 6 14000 हो जा रहा है। यानी कि हम अगर ए प्लस बी का वैल्यू निकालें तो कितना निकल कर आ रहा है? 7000 टोटल निकल कर आ रहा है। 7000 ये ए प्लस बी प्लस सी का निकल गया, और यहाँ ए का पूछ रहा है। तो अगर हम बी सी का अगर मासिक आय को घटा देते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा? ए का निकल कर आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा। यानी कि 7000 में हम क्या करेंगे? 7000 में ये 5000 का वैल्यू घटा देंगे तो 2000 आपको देखने को मिलेगा। और 2000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? कौन सा शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो देखने ही से पता चल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स ये एक ब्राउज़र है, इससे ब्राउजिंग का काम होता है, बाकी तीनों क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है और केवल बी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिन कार्य करने के पश्चात चला जाता है, शेष कार्य करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? तो देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए का कितना दिया हुआ है? ए कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में? तो 50 दिन में कर सकता है। दोनों का अगर टोटल वर्क हम निकाल लें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक है, 300 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो इसका 5 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद 5 और 6 आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा? इसका कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि ए 12 दिन करता है,
ये अगर 12 दिन करता है तो एक कैपेसिटी 5 है, तो 12 दिन में ये इतना कर लेगा, 60 वर्क कर लेगा, यानी कि ये 60 काम करके छोड़ देता है। 60 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच गया, 224 बच गया, यानी कि 224 काम को अकेले भी कितना दिन में कर सकता है। तो क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना देखने को मिल रहा है, तो टोटल 6 × 24 यानी कि 40 दिन में कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 दिन में कर सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। स्पीकर कब सदर पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो केवल मतों की बराबरी की स्थिति में कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है, तो इसका भी इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल है। अब देखिए बात करते हैं कि मान के चलिए ये झारखंड है, अगर ये झारखंड है तो झारखंड के आपको दक्षिण में बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरब में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको दक्षिण में उड़ीसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, और इस एरिया में यूपी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 25 का सही आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। छूटी पद ज्ञात करें, उसमें जो पद छूटा हुआ है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ए से क्या हुआ है, जी हुआ है, ठीक है, जी से फिर क्या हुआ है, जी से एम, तो नेक्स्ट क्या होगा। आप अगर ए की पोजीशन की बात करिएगा तो ए का पोजीशन होता है 1, जी का पोजीशन होता है 7 और एम का पोजीशन होता है 13। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है, टोटल 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है, 19 किसका होता है, तो एस का होता है, और एस से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, देखिए जेड है, टी है, फिर उसके बाद एन है, तो आप देख सकते हैं जेड से क्या हुआ है, टी हुआ है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। फिर देखिए टी का होता है 20, 20 में फिर से अगर हम 6 माइनस कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, एन देखने को मिल रहा है। फिर एन में अगर हम 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि एन का कितना होता है, 14 का होता है, 14 होता है एन का, और इसमें 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 किसका होता है, एच का होता है। तो स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजघाट से। और राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, सभी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ये किसका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। वहीं पर अगर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार की बात की जाए, तो वास्तुकार कौन है, तो इसके एडविन लुटियंस हैं इसके वास्तुकार, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 640 मीटर तथा लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:1 है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, देखिए आयताकार का परिधि यानी कि एक तरह का परिमाप हो जाएगा या पेरीमीटर हो जाएगा, तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 640 मीटर दिया हुआ है, और इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि 2 × 3x + x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू 640 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, आपको 80 निकल कर आ जाएगा, 80, ठीक है, 80 x का वैल्यू हो गया। और अब क्या निकालना है, अब निकालना है क्षेत्रफल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3x है और ये x है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, 3x × x यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है उसका एरिया, तो एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 3 है, x का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था कितना है, 80 है, और फिर से 80 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की।
जब आप अपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तब बहुत गर्म होता है, इसका सबसे अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर से गर्मी सिंक की समस्या, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर से गर्मी सिंक की समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस क्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत आगे और पीछे एक सम संख्या हो। अब देखिए कितनी विषम संख्या है जिसके तुरंत आगे और पीछे क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विषम संख्या देखते हैं कौन कौन सा है। अब देखिए इसके तुरंत आगे और पीछे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इसमें तो एक नहीं है। उसके बाद तीन देखते हैं, तीन के आगे और पीछे भी सम संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सात भी नहीं होगा। पाँच देखते हैं, पाँच भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, हाँ तीन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि इसके आगे और पीछे दोनों सम संख्या है। फिर उसके बाद पाँच भी हो जाएगा, देखिए पाँच भी हो जाएगा क्योंकि पाँच के आगे और पीछे दोनों सम संख्याएँ हैं। तो एक तीन मिल गया और एक पाँच मिल गया, दो मिल गया, और एक और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तीन भी है जिसके आगे और पीछे दोनों की सम संख्या है। और उसके बाद नौ में देखने को मिल जाएगा, नौ भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल ऐसे चार नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था 2004 में और पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2006 ईस्वी में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों को एक दो तीन और चार में से कौन सी आकृति बन सकती है? अब देखिए कौन सी बन सकती है, अब देखिए बहुत ही आसान है तो थोड़ा सा फाइंड आउट करना। अगर इसको हम टुकड़े में तोड़ देते हैं, यहाँ भी अगर तोड़ देते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे तो आपको यहाँ से एक फिगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला फिगर जो है जो इसके बराबर है, और ये वाला जो फिगर है ये वाला ये इसमें है, और ये वाला उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। डॉट डॉट की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हैं, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1828 ईस्वी में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो इनका बचपन का नाम काफ़ी पूछा जाता है, तो नरेंद्र दत्त, और इन्हीं के जन्मदिन पर यानी कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, कब, 12 जनवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, तो इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की, तो इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक चक्र है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अशोक चक्र की शुरुआत की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 4 जनवरी 1952 ईस्वी को उसकी शुरुआत हुई थी, और झारखंड में सबसे पहले किसे दिया गया था गाइस, तो सबसे पहले दिया गया था अशोक चक्र, सबसे पहले रणधीर वर्मा को दिया गया था। ठीक है, और रिसेंटली हम बात करते हैं तो 2019 में जम्मू कश्मीर के रहने वाले नज़ीर अहमद बानी को मिला था। वहीं पे 2021 के भी हम बात कर लेते हैं, तो 2021 में मिला था बाबू राम को, यानी कि ASI बाबू राम को ये अशोक चक्र पुरस्कार मिला था। अच्छा, पहली बार किसे दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पहली बार यानी कि 1952 में सबसे पहले किसको दिया गया था, तो नर बहादुर थापा को मिला था।
नर बहादुर थापा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार डॉट डॉट से पैसा उधार लेती है, तो किसे उधार लेती है? तो आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। अब देखिए, आरबीआई से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकता है वो हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था, लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करते हैं तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, मुंबई में। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके गवर्नर की, तो प्रथम कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन प्रथम भारतीय की अगर बात करते हैं तो सी डी देशमुख प्रथम गवर्नर थे। किस आयोग की सिफारिश पर आया था ये आरबीआई? तो याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा, आरबीआई की बात आई है तो कम से कम दो इम्पॉर्टेंट नेम और उससे रिलेटेड बुक जो अक्सर पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं वो नोट करना बहुत जरूरी होगा। एक तो उर्जित पटेल का है, उर्जित पटेल का एक बुक है, कौन सा है? ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वहीं पे रघुराम राजन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी एक पुस्तक कौन सी है? आई डू व्हाट आई डू, ये किसका है? रघुराम राजन का है। और उर्जित पटेल का कौन सा है? तो उर्जित पटेल का है ओवरड्राफ्ट। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डॉट डॉट के उत्पादन में होता है, तो इस किसके उत्पादन में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उर्वरक के उत्पादन में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है? देखिए काफ़ी इजी है ये भी। अब देखिए सारे ऑप्शन में आपको क्या देखने को, चलिए सबसे पहले हम पहला ऑप्शन की बात करते हैं, ई सी ई, यानी ई का होता है 5, 3, 2, तो कितना का डिफरेंस है? देखिए 2-2 का डिफरेंस है, एक होता है ए का, एक होता है, 2-2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में भी देखते हैं तो जे, जे का होता है 10, 8, 6, 2-2 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप डी में भी देख लीजिए कि 22, 20, 18, सभी का मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, यानी कि 2-2 का डिफरेंस है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी को देख लें तो यहाँ पर डिफरेंस पहले तो 16 है, 14 का कितना होता है? 14 होता है, और के का कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ये 12 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 11 है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भिन्न है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। 38 नंबर क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर डॉट डॉट के प्रतिपादक हैं, तो किसके प्रतिपादक हैं? तो 38 का सही आंसर सभी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सितार के प्रतिपादक हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्न में से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई बर्फ से ढकी जमीन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अस्पताल रोगियों से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार की विद्यालय डॉट डॉट से संबंधित है, तो किसे संबंधित हो जाएगा? स्पष्ट है, करेक्ट आंसर विद्यार्थियों से संबंधित होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। छूटी हुई संख्या को ज्ञात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है कि 50 है, 65 है, 100 है और 122 है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो 50 49 के बाद है, 49 प्लस 1 है, फिर ये 64 प्लस 1 है, यानी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये क्या है कि जो 49 है ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद देखिए 65 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 होगा ही नहीं होगा, यानी कि 9वां 81 और 182 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। BDMS का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह और प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करना। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। विषम व्यक्ति को छाँटना है, जो यहाँ पे विषम संख्या दिया हुआ है यहाँ पे छाँटना है कि कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें से थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है
कि अगर हम देखें तो 6 × 3 = 23, हमने ये कैसे लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस कर देना है और यहाँ लिखना है। देखिए आगे ऑप्शन लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 है ना, 3 × कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3। देखिए यहाँ 3 × 3 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है कि प्लस 2 करना है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 लिख देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 = 11 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आगे हम क्या कर लेंगे, आगे देखिए, आगे भी उसी तरीके से 1 × 1 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, वही चीज़ हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं डी में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3, और एक घटा के यहाँ से लिखना है ना 1 माइनस करके, तो 1 माइनस करके 4 करते हैं तो 5 × 3 = 15, 4 = 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना, 18 है, यानी कि ये बिल्कुल भिन्न है, ये अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समस्या हो रही है तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें सिंपल रूप से किया गया है कि 6 × 3, ठीक है, और प्लस किया गया है 5। हमने कैसे कहा था, 5 हमने कहा था कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एक माइनस करके कितना 5 लिख देना है, कि 1 − 6 − 1 हो जाएगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, यानी कि ये इस मेथड को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से इसमें भी हमने बात किया था कि इसमें भी क्या करना है कि 3 × 3 हमने कर दिया, प्लस कितना लिखना होगा, प्लस 2 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना है उससे एक कम होगा 2 होगा, तो 3 × 3 = 9, 2 = 11, यानी कि ये भी अप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा, और प्लस कितना करेंगे, प्लस एक इसमें घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 ही आएगा, तो ये भी इस मेथड को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से इसमें भी हम अगर अप्लाई करने की बात कर रहे थे तो क्या होना चाहिए, 5 × 3 प्लस 4 होना चाहिए, एक माइनस करके यहाँ 4 लिख रहे हैं, तो 5 × 3 = 15 और 4 = 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 18, सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशेष कोड में फायर को ये लिखा जाता है, तो सीप को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें सिंपल 44 में क्या किया गया है, एक हम अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एफ से डी आए हैं, यानी कि माइनस दो हुआ है। उसी तरीके से फिर देखते हैं कि आई से जी हुआ है, आई का होता है 9, जी का होता है 7, फिर से -2 हुआ है। उसी तरीके से फिर देखिए आर से क्या हुआ है, पी हुआ है, आर का होता है 18 और पी का होता है 16, फिर से 2 माइनस हुआ है। उसी तरीके से हम सीप में भी करेंगे, सीप में भी अगर हम उसी मेथड को अप्लाई करें तो 19 होता है एस का, 2 घटा देंगे तो क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एस का भी 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, एस होता है 8 का और 6 होता है किसका, एफ़ का होता है, तो एफ़ हो जाएगा। उसी तरीके से आई का होता है 9, तो 7 किसका हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी का हो जाएगा। ठीक है, और पी का भी 2 घटा के लिखेंगे, यानी कि 14 एन का होता है। इसमें पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर देखिए यहाँ पे एन है, ये नहीं एन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन, एन इसका सही आंसर हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 नंबर क्वेश्चन की, सभी संक्रिय विंडोज़ बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन की प्रयोग होती है, कौन सी प्रयोग होती है, 45 का सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, Ctrl+F4। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के। विषम व्यक्ति को छाटें, यहाँ पे विषम को छाटना है, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा, यानी कि यहाँ पे अपोजिट लेटर लिया गया है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि 46 में और भी आगे चेक करिएगा तो इसमें भी अपोजिट लिया गया है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। उसी तरीके से जी टी और एस एच ये भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट नहीं है, ई वी एफ टी ये अपोजिट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इनमें से क्या एक टीम आयोजन यानी कि टीम इवेंट नहीं है, कौन सा टीम इवेंट नहीं है ये बताना है, तो शतरंज नहीं है, शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज़
करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एक बेजोड़ का पता लगाना है जो इसमें से अलग दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन सा अलग दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डॉट डॉट की एक परत होती है, तो किसकी परत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जस्ता की परत होती है जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। आम के 9 पेड़ एक सीधी रेखा में है, प्रत्येक आम के पेड़ के मध्य की दूरी 2.5 मीटर है, पहले और 9वें पेड़ के मध्य की दूरी क्या होगी। अब देखिए एक एग्जांपल पहले हम लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए हम खंभा यहाँ पे ले लिए हैं, 1, 2, 3 और 1, 4, टोटल कितना हो गया, 5 खंभा हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें तो एक यहाँ पे एक ऐसा डिस्टेंस मिल रहा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे पहले एक ये डिस्टेंस है, उसके बाद एक ये डिस्टेंस है और एक ये है, एक ये है, यानी 1, 2, 3, 4। खंभों की संख्या कितनी है, 5 है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 है। इसी कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो टोटल पेड़ कितने हैं, 9 पेड़ हैं, तो एक कम वाले से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका टोटल दूरी निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2.5 × 9 नहीं करेंगे बल्कि कितना करेंगे, 8 करेंगे, तो निकल कर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है। तो नवीन पटनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। निम्न में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एडोब रीडर, ये पीडीएफ को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। व्यक्तिगत काल बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उसको डॉट डॉट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिक्सेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इनमें से कौन एक राज्य नहीं है, तो कौन सा एक राज्य नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, दिल्ली एक यूटी है, ये एक राज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो टोटल अनुसूचियाँ अभी 12 हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। हालांकि हम संविधान में शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआत में टोटल 8 था, ठीक है, और बाद में 4 अनुसूची बना है। ये 4 कौन कौन सा है एक बार ज़रूर हम डिस्कस करना चाहेंगे, तो फटाफट से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4 कौन कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 9वां अनुसूची है ये कब जोड़ा गया था, तो 1951 में ये जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि पहला संविधान संशोधन से जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, ये 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं कि 10वां ये दल बदल से संबंधित है और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया था, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और यह दल बदल से संबंधित है। वहीं पे हम बात करते हैं कि जो 11वां जोड़ा गया है, 11वां अनुसूची, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। वहीं पे अगर हम 12वां की बात करते हैं तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन, 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान समय में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है,
उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई, उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, उत्तर की ओर चला और फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ गया, मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर से बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से बाएं मुड़ गया। अब वह कौन सी दिशा की तरफ है, तो कौन सी दिशा की तरफ है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ये साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 नंबर क्वेश्चन है कि .. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, ट्विटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ट्विटर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में अगर सीईओ की बात करते हैं तो इसके सीईओ कौन है, अभी सीईओ है जैक डोर्सी, ठीक है। चलिए अदर ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, सबसे पहले नेटफ्लिक्स की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो नेटफ्लिक्स की स्थापना कब हुई है, 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, एक तो सचिन बंसल और बिनी बंसल, दोनों इसके फाउंडर हैं, लेकिन वर्तमान में सीईओ की बात करते हैं, सीईओ तो अभी कौन है, सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ट्विटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विषम व्यक्ति को छाटे, इसमें विषम कौन सा है ये आपको बताना है, 59 का सही आंसर, तो स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेलीफिश। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के। ए बी का पति है, अब देखिए साथ में डायग्राम बनाते चलते हैं, ए क्या है, बी का पति है, तो ये खुद क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डी ए की बेटी है, डी क्या है, ए की बेटी है, चलिए ए बेटी है। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, सी डी का पति है, सी क्या है, पति है, किसका, डी का। और फिर नेक्स्ट है ई सी की पुत्री है, अब ई क्या है, सी की पुत्री है। अब बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ई क्या हो जाएगी, पुत्री, यानी कि ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, यानी कि पोती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि पैराग्लाइडिंग विश्व कप अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये हम लोगों का काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लेते हैं, आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा घाटी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। श्रेणी का अगला अंक क्या होगा ये खोजना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव 43, 42, 41 तो क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए, आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। निम्नलिखित में से सीपीयू का सही विस्तार कौन सा है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी, सभी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। केबल के उपयोग के बिना कम दूरी पर मोबाइल उपकरण के बीच डाटा हस्तांतरित करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो याद रख लीजिएगा ये जाप हार्टसन ने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। प्रकाश वर्ष की माप है, तो किसकी माप है, ये तारों की दूरियों की माप है, तो ऑप्शन नंबर फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी प्लस कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की।
एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि F1। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 68 की। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। अब पुत्र की अगर X है तो पिता का कितना हो जाएगा, X प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। तो अगर हम ये मान लेते हैं इसकी बेटे की आयु है कितने वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 इधर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 थी 15, यानी कि 3x माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 25। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखिए तो 3x यहाँ 2x हो जाएगा और ये उधर 40 हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 20 निकल कर आ गया। और x कौन था, तो x पुत्र था। पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 30। और x का वैल्यू कितना निकला था, तो 20 निकला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 साल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी कोई जानते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़, जो कि किसकी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है, हालांकि सबसे पहले बृहस्पति को हुआ करता था, लेकिन करंट सिनारी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल अगर इसके चंद्रमा की बात करते हैं, उपग्रह की बात करते हैं, तो टोटल अभी उपग्रहों की संख्या हो गई है 82, वहीं पर बृहस्पति की कितनी है, मात्र 79 है। तो किसका जाता है, शनि ग्रह की सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी कि टोटल कितना है, 82 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। रोमन अंक डी का क्या तात्पर्य है? तो 71 का हो जाएगा 500, इसका मतलब होता है 500। देखिए डी का जो मतलब होता है वो होता है 500, डी का मतलब होता है 500। अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 1000 होता है एम का कितना होता है, 1000 होता है। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 100 किसका होता है, सी का होता है, और 10 किसका होता है, तो 10 के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, एक्स का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाएं। अब देखिए यहाँ पे क्रम में सजाना है, क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा बीज। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए। बीज के बाद क्या करेंगे, बीज के बाद हमारे पास क्या होगा, पौधा होगा, और पौधा के बाद क्या बनेगा, पौधा के बाद ये बनेगा वृक्ष। ठीक है, वृक्ष होने के बाद तो फिर वो क्या देंगी, लकड़ियाँ, और लकड़ियों से हम क्या तैयार करेंगे, मेज तैयार करेंगे, मेज। यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले फोर हो जाएगा, सबसे पहले फोर हो गया, उसके बाद फिर पौधा बनेगा 5 हो गया, उसके बाद फिर क्या है कि 2 वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के। 73 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक फोटो एडिटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो वैन का सही विस्तार आपको बताना है कि वाइड एरिया नेटवर्क होता ही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। विषम संख्या को छांटना है कि इसमें विषम संख्या कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, 1 है, फिर 9 है, 27 है, 64 है, 125 है, तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि 1 का क्यूब और स्क्वायर दोनों होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। देखिए ये 3 का क्या है, क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। इतना तो पता चल गया ना कि सभी क्यूब है, लेकिन जो 9 दिया है वो किसी का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, 3 का क्यूब नहीं है। तो 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस, 9 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 9 जो है ये विषम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, किसने कहा? अभिषेक ने कहा। तो देखिए अभिषेक ने कहा, क्या कहा? इनकी पोती, इनकी पोती मतलब इस महिला की पोती, इस फीमेल की पोती के बारे में बात कर रहा है, इस फीमेल की पोती के बारे में बात कर रहा है। तो इसका कोई बेटा होगा तब इसकी कोई बेटी होगी, इतना तो क्लियर है। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि इनकी पोती मेरे भाई का इकलौता क्या है, इकलौती बेटी है मेरे भाई का, मतलब अभिषेक के बारे में वो अभिषेक बोल रहा है कि मेरे भाई का क्या है, तो इसका ये भाई हो जाएगा, अभिषेक का ये भाई हो जाएगा, अभिषेक का ये भाई हो गया और इकलौती बेटी हो जाएगी, ये इकलौती बेटी हो जाएगी। तो महिला का अभिषेक से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, देखिए यहाँ ये अभिषेक हो गया और इस महिला से क्या इसका संबंध हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए, भाई हो गए ना, तो भाई हो गए तो इसके लिए एफ क्या होगी, यानी कि ये जो महिला है वो क्या होगी, माता हो जाएगी। ठीक है, माता हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अभिषेक ने कहा, अभिषेक ने कहा, क्या कहा? इनकी पोती, मतलब किनकी पोती, इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा ना, तो इस महिला के बारे में बात कर रहा है, तो इस महिला की पोती, तो इस महिला की पोती कैसे होगी, इसके लिए एक बेटा होगा और इस बेटा का भी क्या होगा, एक बेटी होगा। ठीक है, इनकी पोती मेरे भाई, मेरे मतलब कौन, किसके लिए, मेरे किसके लिए यूज़ हो रहा है, अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए मेरे यूज़ हो रहा है, तो मेरे भाई, चलिए इसका भाई का इकलौती बेटी है, ये इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, तो अभिषेक यहाँ रहा होगा तभी इसका भाई है, तभी इसका एक बेटी है। ठीक है, अब अभिषेक का इसके साथ क्या संबंध होगा, तो अभिषेक का भाई है और भाई, दोनों भाई के लिए माता यही होगी ना, माता, तो एफ, तो किस प्रकार से संबंधित है, महिला अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है, तो माता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। आपके पास 150 GB डाटा है जिससे संरक्षित करने की ज़रूरत है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है, तो 77 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 500 GB का पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बी इसका करेक्ट आंसर मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, कन्नड़, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। मॉनसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल कहा जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है, तो किससे मापा जा सकता है, 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटॉमिक घड़ियां, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ओरेकल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, गामा रेज। और गामा रेज के आविष्कारक की बात करते हैं तो कौन है बताइए, बेकुरल है। बीटा रे और अल्फा रे दोनों के रदरफोर्ड हैं। और एक्स रे की बात करिएगा तो एक्स रे के कौन है, एक्स रे के रोएंटजेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो इसका आंसर एक बार मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के। 83 नंबर क्वेश्चन है, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होता है, तो देखिए सभी नोटों पर होता है। ठीक है, यानी कि 2500 और 100 रुपए सभी पर। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन अगर नोट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, किसका चित्र है, तो मंगलयान का चित्र है, मंगलयान का। 500 रुपये पर बात करेंगे तो लाल किला का है, लाल किला का। ठीक है, वहीं पे अगर हम 200 के ऊपर बात करते हैं तो 200 के ऊपर है सांची का स्तूप, 100 रुपये पर है रानी की वाव, उसके बाद 50 रुपये पर किसका है, हम्पी, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, 20 रुपये पर कौन सा है, 20 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा एलोरा की गुफा। और 10 रुपये के नोट पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये ओडिशा में है, जो कि गंगो वंश नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
इन सब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संगीत उपकरण के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। विषम संख्या को छांटें, इसमें अब विषम संख्या कौन है? अब देखिए ये 3 से डिवाइड है, तो 7, 4, 11 और 1, 12 3 से डिविजिबल है, ये बिल्कुल है। 3 से ये है 9, ठीक है, 9 जोड़ने के बाद हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल है। उसके बाद इसका देखते हैं 9, 9, 18 तो ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही एक विषम लग रहा है, अलग लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 86 की। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग डॉट डॉट के लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल भेजने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओरेकल। ओरेकल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। एक विशेष कोर्ट में बॉक्सर को यह लिखा जाता है, तो प्लम्ब को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक पैटर्न को सबसे पहले ढूंढना है कि यहाँ पे पैटर्न एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब देखिए बी से ए हुआ है, यानी कि एक माइनस हुआ है, यहाँ पर एक माइनस हुआ है। उसी तरीके से दूसरा में हम देखते हैं तो ओ से क्यों हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे दो बढ़ा है। फिर आगे उसी तरीके से हम चेक करें तो एक्स से डब्लू हुआ है, एक्स से डब्लू हुआ है, यानी एक्स का होता है 24 और डब्लू का होता है 23। फिर से देखिए एक माइनस हुआ है। फिर इसी क्रम में हम आगे चेक करते हैं तो ई से जी हुआ है, ई से जी हुआ है, ई होता है 5 का, जी होता है 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से देखिए दो बढ़ा है। फिर से आर में देखिए तो क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है। तो यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, माइनस एक प्लस दो, ये एक पैटर्न पता चल गया। अब इसी पैटर्न का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसका इसी पैटर्न को हम यूज़ करते हैं। तो देखिए पी में सबसे पहले क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, तो एक माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एल में क्या करेंगे, दो ऐड कर देंगे, दो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर यू में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, एक माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, दो प्लस करेंगे, और अब एम में एम 13 का होता है, दो पर करेंगे एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी तरीके से बी में क्या करेंगे, अब एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मई 2015 में किस राज्य ने गर्मी के मौसम के दौरान जंगल आग की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की थी? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। एक फाइल को खोजने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट है, तो कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, बचपन से ये सारे के सारे लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, तो वेब ब्राउजर है, इसका भी आंसर सभी जानते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज 10 PCs और स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित विधानों का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखिए 5 लड़के हैं जो एक वृत्त में बैठे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है सी, ई के तुरंत बाएँ बैठा है सी। ठीक है, ए डी और ई के बीच में, ई और डी के
बीच में कौन बैठा है, ई और डी के बीच में ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे बी बैठ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है ये एक्चुअली में ई है, ई किसके बीच बैठा है, तो ई किसके बीच बैठा है आप देख सकते हैं, ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। डॉट डॉट को संगणक का हृदय कहा जाता है, किसे हृदय कहा जाता है, तो 95 का बी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, अब देखिए साथ में हम डायग्राम बनाते चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर, पहले तो वाम दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, यानी कि क्लॉक वाइज 90 डिग्री ये घूमता है, और सबसे पहले इसका दिशा कौन सा है, तो देखिए उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये उत्तर रहा, ये पश्चिम रहा, तो उत्तर पश्चिम इसका डायरेक्शन है अभी। ठीक है, 90 डिग्री घूमता है, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री घूम लेते हैं, तो ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम लिया। उसके बाद फिर क्या रहा है कि घूमकर वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फिर से क्या करता है कि 90 डिग्री घूम जाता है, तो ये देखिए एंटी क्लॉक वाइज हम क्या कर दिए कि 180 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात उसी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक वाइज में ही 90 डिग्री और घूमता है, तो चलिए 90 डिग्री और इसको घुमा देते हैं, ये रहा, ये 90 डिग्री और घूम गया, तो अब वो किस दिशा में है, तो देखिए ये अब किस दिशा में है, तो ईस्ट, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 98 की। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वेबकैम, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 99 की। लकड़ी डॉट डॉट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज इसका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। वह दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे दो, तीन या चार से विभाजित करने पर शेषफल पाँच रहता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, दो, तीन और चार का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, तो 12 हो जाएगा, 12 आपको इसका एलसीएम देखने को मिल जाएगा। शेषफल कितना बचना चाहिए, तो इसको हम ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं 12 25 60, इसमें रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर दो देखते हैं 77, तो 12 25 60, 72 छः बार में यानी कि 72, पाँच रिमाइंडर बच रहा है, तो देखिए पाँच रिमाइंडर बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन, अगर हम ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। मालदीव की मुद्रा क्या है, तो मालदीव की मुद्रा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुफिया है, रुपया, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो रुपया किस किस देश की मुद्रा है, तो सबसे पहले तो अपना भारत का है, इंडिया का है, फिर पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, मॉरिशस का है। ठीक है, मुख्य रूप से। अच्छा, अगर हम रियाल की बात करते हैं, तो रियाल का कौन कौन से देश का है, तो आपको पता होना चाहिए, एक ओमान का है, यमन का है, सऊदी अरब का, कतर का, और ईरान का भी पहले हुआ करता था, हालांकि अब तोमान हो गया है ईरान का, ईरान का अब क्या हो गया है, तोमान हो गया है, ये भी याद रख सकते हैं। रिंगित अगर हम बात करना चाहें, तो रिंगित होता है मलेशिया का, मलेशिया का क्या होता है, रिंगित होता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूफिया, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। छूटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो संख्या छूट गई है उसे ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें काफ़ी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अगर हम सीरीज़ ढूंढने की कोशिश करें, तो 2, 10, 12, 14, यानी कि 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है,
उसी तरीके से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, तो देख सकते हैं कि 20 है, फिर सॉरी 16 है, फिर 20 है, तो क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ठीक है, 20 16 चार चार की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 103 के। 2 MB किसके बराबर होगा, तो 1 MB बराबर कितना के भी होता है, 1024 KB होता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। एक विशेष कोड में ऑल द बेस्ट को ये लिखा जाता है, बेस्ट ऑफ लक को ये लिखा जाता है, और द गुड लक को ये लिखा जाता है, तो गुड को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि ये देखिए इसका कोड दिया हुआ है, ये इसका कोड दिया हुआ है। अल्टीमेटली हम अगर ऐसा करते हैं कि देखिए लक का लक, अगर लक आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो लक का क्या पोजीशन आ रहा है, देखिए लक और इसमें दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, आपको 8 यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा, तो पता चल गया कि लक का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम द का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इजी बनाने के लिए। तो आप द देखिएगा तो यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, और द का अगर आप दोनों में कॉमन देखिएगा तो 5 का देखिए, 5 का यहाँ और 5 का आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 का द के लिए 5 हो गया, तो बचा क्या, गुड। अब गुड का यहाँ पे पूछा हुआ है, तो गुड का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या बच गया, 9 बच गया, तो यहाँ पे 9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगर हम इजीली फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। फूलों की घाटी डॉट डॉट राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ऑलरेडी आप जानते हैं, और यहाँ के सीएम कौन है गाइस, यहाँ के सीएम है पुष्कर धामी, पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है, गवर्नर कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ठोस तरल और गैस के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है, तो देखिए तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि ठोस द्रव्य और जो गैस है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त होगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ओएस कौन सा है, तो नवीनतम कौन सा है अगर उस समय के अनुसार हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हालांकि अभी पाई आ चुका है, पाई क्यू आने वाला है, तो आप समझ लीजिए, तो पाई आया हुआ है, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉलीपॉप, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। मध्याह्नों यानी कि मेजोन्स में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 109 का सही आंसर बताना है, तो कॉस्मिक किरणें पाए जाती हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो किसे मानते थे, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं, तो उस समय के अनुसार कौन थे, बलराम दास टंडन थे, अगर उस समय के सिनेरियो की बात करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो अभी वर्तमान में भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, और लेकिन राज्यपाल की बात करें तो अनसुईया यूके हैं, अनसुईया यूके छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक है, क्या है, एक तरह का कुकुरमुत्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। रामू ने सीधे दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, चलिए साथ में डायग्राम बनाते चलते हैं, दक्षिण की ओर कितना, तो 5 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है भाई, बाईं ओर मुड़कर वह सीधे 24 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात, ठीक है बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर चलो बाईं ओर मुड़ लेते हैं, कितना हो गया, तो 24 किलोमीटर। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके पश्चात दाईं ओर मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है, तो ये दाईं ओर कितना मुड़ जाता है, तो 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। चलिए 5 किलोमीटर फिर से हमने मुड़ा दिया है, फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्या है कि और मुड़कर सीधे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है,
वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो देखिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु रहा, ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु और ये वाला बिंदु। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्या हो गया, एक तरह का कर्ण हो गया। तो कर्ण का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, और 676 किसका रूट हो जाएगा, 676, ये 26 का हो जाएगा, ठीक है, 26 का हो जाएगा, और 26 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 नंबर पे क्या दिया है कि विषम वस्तु को छाटे, जो विषम है उसको छाटना है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है लकड़ी होगा, क्योंकि सारे के सारे मेटल हैं और ये मेटल नहीं है, तो लकड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया बेगम थी, सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.50%। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल प्लस ए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। रोहन हरी से लंबा है, तो चलिए डायग्राम साथ में बनाते चलते हैं। रोहन हरी से लंबा है, तो हरी से लंबा है जो सुरेश से छोटा है, तो सुरेश या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है। मोहन हरी से लंबा है लेकिन हरी से छोटा है, मोहन क्या है, छोटा है, लंबा है, तो हरी से नीचे हो जाएगा, मोहन इसके नीचे हो जाएगा कि ये हरी से छोटा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सुरेश रोहन से छोटा है, तो सुरेश जो है रोहन से छोटा है, तो ये यहीं कहीं होगा। तो पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो देखिए सबसे लंबा कौन देखने को मिल रहा है, रोहन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 की बात करते हैं, तो जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघनन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। 30 मीटर की एक वर्गाकार भूमि के कोने में एक बकरी 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्र तक चर सकती है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक वर्गाकार भूमि है, यानी कि इसके एक भुजा कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है बकरी, ठीक है, 14 मीटर, तो ये वाला एरिया ये चरेगी, ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया में वो चर रही होगी, ठीक है ना, ये वाला एरिया में, और इसी एरिया को फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया में वो चर रही थी। तो 14 मीटर लंबी रस्सी से बनती है, मतलब कि 14 मीटर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 14 मीटर इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। और आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए, इस एरिया का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि 1/4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन पार्ट को तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस किसी 1/4 पार्ट में ये चल रही है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ ये वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, 1/4 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 × 14, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो दो बार में कैंसिल होगा 7, फिर से दो बार में कैंसिल होगा 7, और फिर देखिए 7 से 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 22 और 7 बच गया। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 154, तो 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर। सो ऑप्शन नंबर
बी इज़ करेक्ट वन। इस तरीके से 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।